स्वागत है ट्रेक ऑन ट्रेक में। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे एंड्रॉइड के वर्जन को अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि ओ बीटा जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 17 मई को यूएसए में और 20 मई को इंडिया में लॉन्च हुआ है। एंड्रॉइड ओ बोल के लॉन्च हुआ है जिसका नाम है एंड्रॉइड ओ बीटा। तो ये कौन से डिवाइस में सपोर्टेबल है और किस तरह आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पा सकते हैं आपके फ़ोन में अगर आपका सपोर्टेबल डिवाइस है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फ़ोन दिखा रहे हैं जो सपोर्टेबल है ऑलरेडी। तो गूगल पिक्सल पहला है, गूगल पिक्सल एक्सएल है, गूगल पिक्सल सी है, गूगल नेक्सस 6P है, गूगल नेक्सस 5X है और नेक्सस प्लेयर है। तो ये सब मोबाइल जो है वो सपोर्टेबल है। उनको एक नोटिफिकेशन जाएगा जो इस तरह रहेगा, देखिए आप सिस्टम अपडेट अवेलेबल बोल के आएगा। तो ये आपका जो भी रहेगा ये आपको डिवाइस दिखाएगा, नेक्सस 6 करेंटली एंड्रॉयड इन द बीटा प्रोग्राम बोल के आप उसमें एंड्रॉल कर रख सकते। फिर उसके बाद में अगर आप ये डाउनलोड करते हैं तो उसके बारे में आपको टर्म एंड कंडीशन बताएगा क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है ये एंड्रॉयड के वार्निंग टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद में आपको एक ऐसी फाइल आएंगी जिसमें बताएगा कि आप इसके अंदर क्या क्या अपडेट्स के अंदर आपको मिल सकता है, जैसे कि मल्टी स्क्रीन सपोर्टेबल है और नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिप्लाई भी है। जैसे कि आप कोई ऐप है जिसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आया है तो उस पर आप क्लिक करके रखें तो आपको डायरेक्ट रिप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा उस पर। आपने OS के अंदर ज़्यादा देखा होगा ये सब और बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स है। आप उसको फीचर्स जो है वो इस तरह है कि आप इसमें अपडेट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप यूज़ करेंगे जब आपको यूज़फुल दिखेंगे वो। जैसे कि फ़ोटो स्कैनिंग है इसके अंदर, फ़ोटो आप जो वाईफाई स्कैनिंग करके आप पासवर्ड पा सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा पासवर्ड। जैसे कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा तो आप सिर्फ स्कैनिंग पे रखेंगे तो आप ये पासवर्ड और स्कैनिंग होके पासवर्ड और आईडी स्कैनिंग होके आपका डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है यूज़र नेम और पासवर्ड, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो स्कैन करके आपको बता देगा ये लोकेशन कहाँ की है, कहाँ आपने ये फ़ोटो खींचे थे, और ये जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग की फ़ोटो खींचे तो बिल्डिंग भी बताएगा ये कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ की बिल्डिंग है, कौन से एरिया में और ये बिल्डिंग का नाम क्या है। ये सब इसके अंदर न्यू अपडेट्स के अंदर अपडेट किया गया है। देखिए टोटल अपडेट जो है बीटा का वो जिसकी फाइल साइज़ है वो 1GB के अभाव है। अगर आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड का आपको वर्जन अपडेट करना है तो वो कैसे अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली सब नोटिफिकेशन मैसेज नहीं आया तो आपको कैसा अपडेट कर सकते हैं, उसकी गूगल की साइट है जिसपे आपको ये अपडेट मिल सकता है। तो देखिए ये गूगल की जो साइट है इसके ऊपर देखिए आप इसमें सपोर्टेबल डिवाइस के पूरे अपडेट कर दिए गए हैं कि कौन से आपको, ये देखिए डाउनलोडिंग लिंक भी है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए नेक्सस 5X का है, नेक्सस 6P प्लेयर का भी है, एक्सल सी, एक्सल एक्सल सब के यहाँ पर लिंक डाल दी, डाउनलोडिंग लिंक डाल दी है, यहाँ पर आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। अगर आप अनइंस्टॉल भी करना चाहते हैं तो उसका भी अपडेट जल्द से जल्द आएगा बोल के यहाँ लिखे हुआ है। देखिए योर डिवाइस विल बी एंड्रॉइड बीटा साइड अनएंड्रॉल योर डिवाइस विल बी सून रिसीव अन अपडेट टू द लेटेस्ट पब्लिक रिलीज फॉर योर डिवाइस। उसके लिए भी अनइंस्टॉल के भी लिंक आ जाएंगी बोल के इस पर लिखे हुआ है। तो अगर आप नेक्सस यूज़ कर रहे हैं और पिक्सल यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये साइट पर भी आके डाउनलोड कर सकते हैं। ये साइट का नाम है developerandroid.com। इसके अंदर पूरे आपको जो लिंक है आपके मोबाइल्स के डाउनलोडिंग लिंक इसके अंदर डाल दी गई है। और देखिए यहाँ पर एक न्यू चिप भी लॉन्च किया है जो एंड्रॉयड वाले ने जो न्यू चिप लॉन्च किया उसके बारे में भी है अपडेट्स कि जो TPU बोल के एक चिप है जो गूगल वाले ने लॉन्च किया उसके सर्वर के हिसाब से। देखिए ये एक चिप है जो गूगल वाले ने रिसेंटली लॉन्च किया है, ये चिप का नाम है, देखिए अब यहाँ पर लिखे हुआ है द न्यू चिप आर कॉल्ड क्लाउड TPU। तो ये जो चिप है ये गूगल वाले ने जो 17 मई को लॉन्च करने के टाइम पे गूगल के अपडेट ये बताया है। ये देखिए ये चिप ऐसी दिखेंगी, इस तरह की चिप है। इसमें जैसे कि बहुत सारे फीचर्स है, इसमें जो अपडेट्स है आपका, जैसे कि पहले के एंड्रॉयड जो मोबाइल्स थे वो हैंग हो जाते थे तो इसमें जो है वो पूरा अपडेट चेंज करने के बाद में इसमें जो बग्स रहते थे जो फिक्स हो गए, पूरे बग्स फिक्स हो गए और एकदम अच्छे से अपडेट किया गया है कि आपको एंड्रॉयड्स के जो भी मोबाइल है वो हैंग नहीं होना बोल के। तो अब तक के लिए तो यही था मेरे दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप
मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।